किसान साथी देख सकते हैं लुनेरा में किसान साथी जो ये प्याज का बीज इसमें लगाया है क्यारियों में और रेन पाइप से इसकी सिंचाई कर रहे हैं। इससे इसका अंकुरण बहुत अच्छा होता है और देख सकते हैं पूरा दृश्य इस वीडियो के माध्यम से रेन पाइप से सिंचाई का ये विधि बहुत बढ़िया है। और हमारे किसान साथी इनसे पूछते हैं जो ये रेन से सिंचाई हो रही है तो इससे क्या फायदा है, सबसे पहले अपना परिचय बताइए। मेरा नाम गोपाल पाटीदार, ग्राम लुनेरा, जिला रतलाम। रेन पाइप से ये फायदा है कि जो अपन बीज डालते हैं, प्याज का बीज अंदर खेत में डालते हैं और इससे पानी देते हैं तो बीज एक एक बीज बिल्कुल अंकुरित हो जाता है इससे। अच्छा अच्छा। और बिल्कुल जमीन को हार्ड नहीं रहती है, पोची रहती है। अच्छा अच्छा। इससे अच्छा, पानी देने से। अच्छा अच्छा। शुरू से आखिरी तक अपन बीज जब रोप उखाड़ते हैं हाँ, तब ये रोप आसानी से उखड़ता है। अच्छा। टूटता नहीं है। अच्छा। इसका ये फायदा है। अच्छा। तो इस और इसमें पानी कम लगता है। अच्छा अच्छा। बहुत कम पानी में अपनी सिंचाई हो जाती है। अच्छा। तो इसको चलाने का समय शुरू में अच्छा पिला दो एक बार। अच्छा। जिसके बाद आप एक दिन छोड़ के। अच्छा। एक दिन छोड़ के तीसरे दिन अपन इसको 20-25 मिनट रोज चला लो। अच्छा। तो उसमें नमी पर्याप्त नमी रहती है। अच्छा। और ये जो धूप से जो गोड़ कटते हैं हाँ, वो शिकायत नहीं आती है। अच्छा। नमी के कारण। अच्छा अच्छा। तो किसान साथियों आप लगाकर बीज की जो आप छिड़काव करते हैं प्याज के बीज का तो रेन के माध्यम से अच्छी सिंचाई होगी और बीज कटेगा भी नहीं धूप से। और देख सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से पूरा ये देसी प्याज का बीज छिड़काव किया हुआ है इन क्यारियों में और इसका अंकुरण भी बहुत अच्छा होगा। इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं एक बीघे के ये रेन लगा रखे हैं इधर और ये इसकी सिंचाई बहुत बढ़िया रहती है। तो कितनी 11 पाइप इसका स्क्वायर फीट के हिसाब से अंदाजा लगाया, एक बीघे का लगाया आपने तो 150 फीट पे एक पाइप है, 150 फीट लंबाई का। अच्छा, ये 150 फीट लंबाई पाइप की 150 फीट है। अच्छा। एक बीघे में 12 पाइप लगे हुए हैं। अच्छा। तो किसान साथियों एक बीघे में ये पूरा आपने आप देख सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से जो लुनेरा गांव के रहने वाले किसान हैं और इन्होंने इस विधि से प्याज के बीज का जो है अंकुरण इसमें इस विधि से किया है और रोपा भी नर्सरी भी बहुत अच्छी तैयार होगी। इस वीडियो के माध्यम से पूरा दृश्य आप देख सकते हैं। किसान साथियों भैया ने बहुत अच्छी जानकारी दी और इस विधि से प्याज का जो बीज है उसका अंकुरण भी बहुत अच्छा होता है। तो किसान साथियों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान। धन्यवाद।